बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। कई पेरेंट्स को चिंता होती है कि वे अपने बच्चे में वैल्यूज यानी मूल्यों को कैसे विकसित करें। इसका एक सरल तरीका है लीडिंग बाय एग्जांपल। स्टूडेंट्स के लिए आयोजित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में पीएम मोदी देश भर के छात्रों से सालाना जुड़ते हैं, मोटिवेट करते हैं। उन्हीं चर्चाओं में से हम लाए हैं कुछ स्पेशल टिप्स हमारे एग्जाम वॉरियर्स के लिए। जीवन के मूल्य बच्चों पर थोपे नहीं जा सकते, बल्कि भीतर से आने चाहिए। अपने बच्चों को सही मूल्य आपके व्यवहार से आत्मसात करने दें। वो कैसे? मूल्यों को कभी भी थोपने का प्रयास न करें, मूल्यों को जीकर प्रेरित करने का प्रयास करें। आखिरकार बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, जो आप कहेंगे उसे वो करेंगे या नहीं करेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना होती है कि जो आप कर रहे हैं वो उसे बहुत बारीकी से देखता है और दोहराने के लिए लालायित हो जाता है। और जब आप इन मूल्यों के साथ हमारे इतिहास, हमारे पुराण, हमारे पुरखों की छोटी छोटी बातों को सहजता से जोड़ेंगे तो बच्चे भी प्रेरित होंगे, आचार व्यवहार में उतरना आसान हो जाएगा। हम कहते हैं बेटा बेटी एक समान, ये मूल्य है हमारे। हमारे यहां देव रूप की जो कल्पना की गई है उसमें स्त्री भगवान का उतना ही महत्व है, लेकिन हमारे घर के वातावरण में बेटे और बेटी के बीच जाने अनजाने में जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें असमानता होती है। उसके बाद जब वही बेटा समाज जीवन में जाता है तो उसके द्वारा नारी समानता में कुछ न कुछ कमी की संभावना बन ही जाती है। आपने सुना होगा एक दीप से जले दूसरा। आपका बच्चा पर प्रकाशित नहीं होना चाहिए, आपका बच्चा स्वयं प्रकाशित होना चाहिए। बच्चों के अंदर जो प्रकाश आप देखना चाहते हैं वो प्रकाश उनके भीतर से प्रकाशमान होना चाहिए और वो आपके जागरूक सक्रिय प्रयासों से संभव है। आप अपने एक्शंस में जो बदलाव दिखाएंगे वो बच्चे बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे। आपके बात करने का तरीका, आपके हाव भाव, आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब आपके बच्चे के दिमाग पर निश्चित एक छाप छोड़ता है। घर पर सही मिसाल कायम करना बच्चों को दूसरों के प्रति संवेदनशीलता सीखने में मदद करता है। मोदी जी बतलाते हैं कि कैसे। उसी प्रकार से भी हमारे मूल्य हैं कि जीव मात्र से परमात्मा का वास है। उसी प्रकार से हम सबकी मान्यता है और हमें यह सिखाया गया है, हमारे जीवन मूल्य के रूप में प्रस्थापित हो चुका है और हमारी सोच है कि जीव मात्र में परमात्मा का वास है। लेकिन आपके घर में जो काम करने आते हैं, झाड़ू पोछा लगाने आते हैं, लिफ्ट चलाने वाला होता है, आपको स्कूल में छोड़ने वाला ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, क्या कभी आपने उनसे उनके सुख दुख की चिंता और चर्चा की है? क्या कभी आपने पूछा वे आपके परिवार में तो किसी को कोरोना नहीं हुआ है ना, आपके परिवार के तो सब सुखी है ना, आप जिस गांव से आए हो उस गांव में तो सब ठीक है ना, क्या आपने कभी पूछा है? अगर आप ऐसा करते तो आपको अपने बच्चे को मूल्य नहीं सिखाने पड़ते। मैं आप पर सवाल नहीं खड़े कर रहा, एक सामान्य व्यवहार की बात कर रहा। कुछ लोग वाकई ऐसा नहीं करते। बच्चे का बर्थडे होता है, बहुत सारी तैयारियां होती हैं। कितने लोग अपने घर में काम करने वालों से कहते हैं कि जो भी काम करना है 5 बजे तक पूरा कर दो, 6 बजे जब मेहमान आना शुरू हो जाएंगे तब तुम भी हमारे परिवार के मेहमान के रूप में
कपड़े पहन करके, अच्छे कपड़े पहन करके, परिवार के सबको लेकर के आ जाना। आप देखिए आप उनसे क्या कहते हैं, आज घर में बहुत से मेहमान जाने वाले हैं, देर तक रुकना पड़ेगा। आप ऐसा कहने के बजाय क्या कहते हैं, देखो कल बहुत मेहमान आने वाले हैं, बहुत काम है, तुम घर बता के आ जाना, देर से आऊंगा, देर से आऊंगी। यानी आपका बच्चा देख रहा है कि इतना बड़ा उत्सव है घर में, लेकिन वो जो मेरे लिए मेहनत करते हैं दिन रात, वो तो इसमें हिस्सेदार ही नहीं है। और तभी उस बच्चे के मन में टकराव शुरू होता है। सिर्फ डांट डपट से बच्चों में वैल्यू नहीं उतारी जा सकती है, इसे अंजाम तक पहुंचाना है तो घर पर सही एनवायरनमेंट क्रिएशन की जरूरत है। मोटिवेशन अंदर से लाना है, बच्चों को अगर अच्छे वैल्यू सिखाना है। अच्छी किताब, अच्छी मूवीज, अच्छी कहानियां, अच्छी कविताएं, अच्छे मुहावरे या अच्छे अनुभव, ये सब एक प्रकार से ट्रेनिंग के ही टूल्स हैं। जैसे कि आप चाहते हैं आपका बच्चा सुबह उठ करके पढ़े, आप उसे कहते हैं, बोलते भी हैं, डांटते भी हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती। लेकिन क्या आपके घर में कभी ऐसी किताबों की चर्चा होती है जिसमें इनडायरेक्टली सुबह उठने के फायदों की चर्चा हो? हमारे यहाँ आध्यात्मिक जीवन के लोग ब्रह्म मुहूर्त से ही उनका दिवस प्रारंभ हो जाता है और वो उसी के नॉर्म्स का पालन करते हैं। तो दूसरी ओर आजकल 5 AM क्लब की भी चर्चा होती है। क्या आपने ऐसी किसी किताब की घर में चर्चा की है या कोई ऐसी मूवी या डॉक्यूमेंट्री देखी है जिसमें इस बारे में वैज्ञानिक तरीके से, तर्कबद्ध तरीके से, इमोशंस के साथ बातें बताई गई हो? ये एक बार करके देखिए, सुबह उठने के लिए बच्चे की ट्रेनिंग खुद ही हो जाएगी। एक बार मन ट्रेन हो गया, मन में बच्चा समझ गया कि सुबह उठने का क्या फायदा है, तो फिर वो खुद मोटिवेट होने लगेगा। यही तो एनवायरनमेंट क्रिएशन होता है जिसकी घर में सबसे ज्यादा जरूरत है। मोदी जी ने इतनी गहरी बात को इतनी आसानी से समझा दिया। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे मूल्यों को अपनाए, तो अपने दैनिक पारिवारिक जीवन में उनका अनुकरण करने का प्रयास करें और अंतर देखें। आखिरकार बच्चे मिट्टी के सांचे की तरह ही तो होते हैं, हम जैसा चाहते हैं वो वैसा आकार ले लेते हैं।